हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सरिता और आज आपके लिए फिर से लेके आई कुछ नया। मैं लेके आई हूँ आपके लिए हैक्स का रियलिटी टेस्ट। अक्सर हम हैक्स देखा करते हैं अपने लाइफ को ईजियर और टाइम सेव करने के लिए, हम लोग हैक्स का यूज़ करते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि जो हम हैक्स देखते हैं वो फ्लॉप हो जाते हैं, तो उसी के लिए मैं आपको आज दिखाऊंगी कुछ टेस्ट जो मैंने किए हैं और वो फेल हो चुके हैं। आप वीडियोस में देखते हैं कि आप हरे धनिये की पत्ती को इस तरह से आप एक साल तक स्टोर रख सकते हैं। इस तरह आइस क्यूब में कट करके ऐड करके आप डी फ्रीज करें तो ये एक साल तक स्टोर रहेंगी। अगर आप इसको स्टोर करते हैं तो ये लीफ मैंने स्टोर करी थी, ये इस तरह से गल जाती हैं। और जब हम इसको वेजिटेबल में ऐड करते हैं और गलने के बाद ये पानी भी छोड़ देती है, और वेजिटेबल में ऐड करने के बाद वेजिटेबल का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो कोई पेपर, टिश्यू पेपर या किसी तरह का पेपर लेके इस तरह से इसको रैप करें और एयर टाइट कंटेनर में रख दें। अगर वो नहीं है तो आप इस तरह की वेजिटेबल्स की जो बैग्स आते हैं, प्लास्टिक बैग्स, इसमें इस तरह से इसको आप डालें और इस तरह से आप इसको रोटेट कर दें तो आपका ये एयर टाइट हो जाएगा। आपका 4 to 5 days आपका कहीं भी ख़राब नहीं। हैक नंबर 2, आप वीडियोस में देखते हैं कि आप नींबू को किस तरह से एक से ज़्यादा महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो वीडियोस में आप देखते हैं कि एयर टाइट कंटेनर में पानी भर के या इस तरह की बॉटल्स में पानी भर के आप इसमें नींबू को डाल के रखें तो एक से ज़्यादा महीने के लिए आपके नींबू स्टोर होकर रह जाएंगे। लेकिन जब हम इसको इस तरह से करते हैं तो ये नींबू इस तरह से आपके गल जाते हैं, जैसे आपका धनिया पत्ता गल जाता है। इसी तरह से आपके किसी भी सब्जी या वेजिटेबल को आप पानी में डाल के रखेंगे तो वो गल जाएगी। अगर आप स्टोर करके रखना चाहते हैं इस तरह के फ्रेश लेमन्स को, आप फ्रेश करके रखना चाहते हैं, एयर टाइट कंटेनर में पानी बिल्कुल भी न भरें और उसमें डाल के रखें, या अदरवाइज आपके इस तरह की बैग्स होती है इसमें आप नींबू उसको डालें और इसको एयर टाइट करके इस तरह से होल्ड करके इसको इस तरह से कर देंगे तो ये एयर टाइट हो गई। और आप इसको अपने फ्रीज़र की बास्केट जो होती है उसमें रखें या नॉर्मल फ्रिज में रखें तो आपके 15 से 10 दिन तक इसी तरह फ्रेश रहेंगे। हैक नंबर 3, आप वीडियोस में देखते हैं कि जब हम मिल्क बॉईल करते हैं तो इस तरह का वुडन स्पैचुला बर्तन के ऊपर रखते हैं तो दूध नहीं निकलता। इसके रखने के बाद भी दूध निकल जाता है, आप ट्राई करके ज़रूर देखें। अगर आप मिल्क बॉयल करते हैं तो बड़े बर्तन का यूज़ करिए जिससे कि आपका मिल्क जल्दी न निकले। हैक नंबर 4, आप वीडियोस में देखते हैं कि आप अपने नाइफ को किस तरह से शार्प कर सकते हैं। तो वीडियोस में बताते हैं कि आप टी मग को, कोई भी टी मग या ग्लास लेकर इस तरह से आप अपने नाइफ को शार्प कर सकते हैं। पर ये भी, क्योंकि ये स्टील का नाइफ होता है, ये घिसता नहीं है तो ये शार्प हो ही नहीं सकता। अगर आपका ब्लेड आयरन का है, लोहे का ब्लेड है, तो वो अगर आप पत्थर पे रगड़ते हैं तो शार्प हो सकता है, लेकिन अगर आप टी मग पर रगड़ेंगे तो वो आपका शार्प नहीं होगा। तो हैक नंबर 5, इस तरह के स्पाइसेस बॉक्स आप ओपन कर लेते हैं तो आप वीडियोस में देखते हैं कि बताते हैं आप एयर टाइट कंटेनर में अगर इसको यूज़ करके रखते हैं तो ये लॉन्ग टाइम तक सेव रहता है। लेकिन हम किचन में काम करते हैं, हम इसके अंदर गीली स्पून डाल देते हैं तो ये ख़राब हो जाते हैं एयर टाइट कंटेनर में रहने के बाद भी। अगर आप इसको ओपन करने के बाद फ्रिज में रखते हैं तो उससे बेटर रिजल्ट्स आप देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।